नमस्कार दोस्तों, भारत में माँ दुर्गा के कई प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। प्रत्येक मंदिर से कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है। इन मंदिरों से जुड़े रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ पाया। देश विदेश के श्रद्धालु माँ दुर्गा के इन पावन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। दुर्गा माता को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको एक ऐसी मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसे तोड़ने का साहस मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था, लेकिन उसे माँ दुर्गा के क्रोध का शिकार होना पड़ा। कहा जाता है कि इस मंदिर पर हमला करने आई मुगल सेना पर हजारों की संख्या में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके चलते मुगल सेना को भागना पड़ा। दोस्तों, यह प्राचीन मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में जीर माता के नाम से प्रसिद्ध है। जीर माता मंदिर। जीर माता मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुराना है। यह स्थान घने जंगल व अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर एक शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण काल के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने निर्वासन काल के दौरान किया था। जीर माता के अवतरण की कथा। मान्यता है कि जीर माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। इनका एक भाई था जिसका नाम हर्ष था। कहते हैं एक बार जीर माता का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और अपने भाई से नाराज होकर जीर माता अरावली पर्वत पर जाकर तप करने लगी। मान्यता है कि इसके बाद जीर ही माता के रूप में अवतरित हुई। औरंगजेब ने की थी मंदिर को तोड़ने की कोशिश। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीर माता मंदिर व भैरव मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा। इस पर स्थानीय लोगों ने माता से प्रार्थना की तो माता ने चमत्कार दिखाया और औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले से मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई। औरंगजेब भिजवाता था जोत के लिए तेल। मधुमक्खियों के हमले के बाद औरंगजेब ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्थान पर अखंड ज्योत जलाने का प्रण लिया और हर महीने इस ज्योत के लिए सवा मन तेल देने का वचन दिया। औरंगजेब पहले दिल्ली और बाद में जयपुर से ज्योत के लिए तेल भिजवाता रहा। इसके बाद भी जयपुर के महाराजा ने इस परंपरा को जारी रखा और तेल भेजना जारी रखा, लेकिन तेल की मात्रा कम कर इसे साल में केवल 2 बार नवरात्रों के समय कर दिया। इसके बाद महाराजा मानसिंह के गृह मंत्री हरि सिंह ने तेल की बजाय 20 रुपए 3 आने नगद देने शुरू कर दिए। बहन को मनाने आया था भाई हर्ष। कहा जाता है कि अपनी बहन जीन को मनाने के लिए हर्ष अरावली पर्वत के काजल शिखर पर पहुंचा, लेकिन जीन माता ने वापस जाने से मना कर दिया पर भैरव की तपस्या करने लगा और बाद में हर्ष ने भैरव का पद प्राप्त किया। जीन माता मंदिर की मर्यादा। जीन माता मंदिर की पूजा विधि व मर्यादा दूसरे मंदिरों से भिन्न है। इसमें पूरी संप्रदाय के साधुओं द्वारा ही पूजा पाठ किया जाता है और पुजारी प्राशर ब्राह्मण हैं। इन पुजारियों के 100 के करीब परिवार हैं जो बारी बारी से माता की पूजा करते हैं। जो पुजारी पूजा करता है उसे मंदिर में ही रहते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। भेंट की गई वस्तुएं भी पुजारियों की बहनों व बेटियों को दी जाती हैं, जबकि पुजारियों की पत्नियों के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने की मनाही है। हर साल मंदिर में आयोजित होने वाले विशेष उत्सव के दौरान पुजारियों की बारी बदलती है। यह उत्सव शरद पूर्णिमा को आयोजित होता है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? जयपुर से जीर माता मंदिर की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। सीकर शहर से मंदिर की दूरी 29 किलोमीटर है। प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जीर माता मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, यह थी जीर माता मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।